अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन किचन। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। आप सब लोगों की दुआएं हैं जो आज मैं बिल्कुल आपके सामने खड़े होकर एक और वीडियो आपके बना रही हूँ। तो आज मैं बहुत स्पेशल बनाने जा रही हूँ, लेकिन इस स्पेशल में भी एक स्पेशल ये है कि मैं इसमें टमाटो यूज़ नहीं करूँगी। इवन के टमाटो रिक्वायरमेंट है इस डिश की, मगर मैं खुद से नहीं कर रही हूँ। मैं आपको विदाउट टमाटो भी वही टेस्ट डेवलप करके दिखाऊंगी। चिकन कढ़ाई का जो कि आप टमाटर डालें उससे भी वही आएगा, दही डालें उससे भी वही आएगा, ठीक है? तो जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूंगी, मैंने चिकन हाफ के जी लिया हुआ है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, साथ में थोड़ा सा ड्राई कोरिएंडर है, खुश कोरिएंडर जिसको मैंने धो लिया था, ये मेरे पास साबित है। और कुछ हमारे पास स्पाइस हैं, रेड चिली है, नमक है, खुश्क धनिया है, हल्दी है, और कुटा हुआ, इसकी स्पेशल ये है कि कुटा हुआ हमारे पास गरम मसाला है। इसमें मैंने जो बादियाने का फूल होता है वो भी मैंने कुटा हुआ डाला है इसमें, और जो पत्ता होता है हमारे पास कड़ी पत्ता वो भी डाला है, और थोड़ा सा साबित ज़ीरा भी है। मिसाले बस इतने से यूज़ करें। और स्पेशलैरिटी ये है इसकी कि जो मेरे पास प्याज है मैंने इस प्याज को ग्राइंड कर लिया, ठीक है, पेस्ट ही बनाए ग्राइंड कर लिया। आप अब इसकी ज़रा ग्रेवी देखिएगा, जो मज़े की ग्रेवी बनेगी, क्योंकि जब प्याज साबित होता है तो उसको थोड़ा सा करने में हमें मुश्किल होती है। और ये मेरे पास से 1 से 2 अदद चॉप्ड ग्रीन चिली है, साथ में मेरे पास थोड़ी सी जूलियर कटिंग में अदरक है जिसको हम गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा वैसे भी, और तेल हंस पे ज़रूरत है, दही आप सा, और दही है मेरे पास जिसमें मैंने थोड़ा सा, और जब भी आपने दही मक्खन कुछ भी चीज़ डाली है उसको अच्छे से फेंट लेना है, अच्छे से मेल्ट कर लेना है, ठीक है, तो आपकी उस चीज़ की एक जो ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी। उसके अलावा अब मैंने सबसे पहले करना क्या है, मैं चलती हूँ अपने पैन की तरफ, पैन को प्रीहीट कर लेती हूँ। 1 कप ऑयल डालूँगी, 1 कप ऑयल डालूँगी जैसे मेरा पैन गर्म होता है। ये मेरा पैन गरम हो गया था, मैंने इसको प्री हीट किया, 1 कप ऑयल डाला, जो मेरे पास कुटे हुए जो प्याज थे मैं वो डालने लगी हूँ इसमें। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने डालना, इसको हमने बहुत ब्राउन नहीं करना, एक नॉर्मल ब्राउन करना आपने, ये आप देख रही हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के करें सारा काम, अल्लाह पाक खुद ही बच्चा डाल देते हैं। जैसे ये थोड़े से भुन जाते हैं मैंने इसमें अदरक लहसुन डालना है। फिर ये मेरे ब्राउन हो गए, अब मैं इसमें जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल रही हूँ। ब्राउन हो गए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, जस्ट हाफ ग्लास से भी थोड़ा। ये ब्राउन हो चुके हैं, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है, बहुत थोड़ा सा। अब मैं इसमें अपने जो थोड़े बहुत मसाले हैं मैं वो डालूंगी, नमक, सबसे पहले नमक डाल रही हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। कुटा हुआ जो हमारे पास गरम मसाला था वो डाल रही हूँ, रेड चिली डाल रही हूँ, खुश्क धनिया डाल रही हूँ, ज़ीरा डाल रही हूँ, और हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी सी ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के डाला करें, चीज़ों में बरकत भी आती है।
अब मैं क्योंकि मेरा मसाला थोड़ा थोड़ा भुन ही चुका है, ऑलमोस्ट बल्कि भुन चुका है, तो मैं इसमें जो चिकन पड़ा है वो डाल दूँगी बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा, चिकन को आप ये भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसको हल्का सा पहले फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। अब क्योंकि सारा काम तो हो चुका है, सिर्फ हमने चेक करना है और ये देखना है कि कोई नमक मिर्चें हमारी कम तो नहीं हैं, वो आप लोगों ने देख लेना है, और सिर्फ दही डालनी है बस। इसको अभी फ़िलहाल भूनना है हमने हल्की आंच पर एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आप देखिएगा बहुत ही मज़े की बनेगी ये कढ़ाई, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है, मसला है ट्राई का। ये देखिए कितनी ही खूबसूरत लग रही है, अभी तो ये भुनी नहीं है, अभी तो बहुत सारे मराहिल पड़े हैं, और बड़े प्यारे प्यारे नरम नरम हाथों से आपने तो करना है, ताकि गोश हमारा कहीं से टूटे ना, साबुत साबुत बोटी रहे। इसको 15 से 20 मिनट तक आपने अब इसी आंच पर पकाना है। ये मैंने आपको कहा था 15 मिनट बाद आपने देखना है, ठीक है, ये मैंने 15 मिनट पहले आप चिकन देख सकते हैं और 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं। हल्की आंच पर इसको बनाते रहना आपने। अब क्योंकि मेरी ग्रेवी यकजान हो चुकी है, तो मैं इसमें जो और चीज़ें हैं अब वो ऐड करूँगी, जैसे कि मेरे पास ग्रीन मिर्च थी, ग्रीन चिली, वो डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी दही, आधा कप जितना दही डालूंगी, और इसमें स्पेशल ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी डालूंगी। आप देखिएगा ये क्या लजीज बनेगा कोरमा आपका, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की, थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया, दही के साथ ही डालना आपने, ठीक है। ये मेरे पास फुल क्रीम जो होता है ना, फुल क्रीम मिल्क वो था, मैंने उसको डाल दिया, जो दही थी मैंने वो भी डाल दी है। अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ भूनते जाना है, भूनते जाना है, और सिर्फ भूनते ही जाना है, ठीक है, क्योंकि अब इसकी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, हमने बस अब इसको बेसिकली भूनना ही है और अच्छे से भूनना है। और यही टाइम है कि आप चेक कर सकते हैं आपकी नमक मिर्च ठीक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप कर लें, मैं चेक कर रही हूँ उस टाइम, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है, ये बिल्कुल देगी स्टाइल कोरमा बनेगा, कोरमा कढ़ाई जो भी आप चाहें आप इसको रख सकते हैं इसका नाम, और बहुत ही मज़े का। मुझे लगता है इसमें नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। एक्चुअली पता क्या होता है, मैं ना नमक बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ, जब नमक ज़्यादा डाल देती हूँ तो फिर आपको पता है उससे क्या होता है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि नमक इतना ज़्यादा क्यों। तो खैर, ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और यमी यमी लग रही है। आप चाहें तो इसमें बादामों का पेस्ट भी इवन ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की। मक्खन देसी घी में बनाएं, एज योर रिक्वायरमेंट है और एज योर डिश रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं, आपको कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जब कोई चीज़ बनाएं तो दूसरों की बिल्कुल एक्सेप्ट कॉपी पेस्ट करके बनाएं, नहीं। जब भी आप, मैं आपको एक मशवरा दूंगी, जब भी आप कोई भी डिश बनाएं कभी दूसरों की कॉपी ना करें, इवन कि आप मेरी भी कॉपी ना करें, उससे पता क्या होगा, जब आप खुद से मतलब एक व्यू लेना होता है वो तो चलो ठीक है कि हाँ ये चीज़ जलती है, लेकिन ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करके सारी चीज़ें वही डाल दें, आप खुद से कोई न्यू चीज़ डालें, अगर आपको पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं, तरीका यही होता है, चीज़ें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए फिर पकाऊंगी। ये मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया, आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का लग रहा है।
अब मैं इसमें एक चीज़ और डालने लगा, क्योंकि हमारा अभी कोरमा ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे पास कुछ बादाम थे, मैंने ना उनको दही में मिक्स करके इसमें डाल देना है, ठीक है। बादाम को दही में मिक्स करके डाल देना है, याद रखिएगा जो मैंने कहा है, बादाम को दही में मिक्स करके डाल देना है। अब इसकी आप ज़रा ग्रेवी चेक करिएगा, दही का एक चम्मच लेंगे, उसमें बादाम को थोड़ा सा क्रश क्रुश करके और आपने इसमें डाल देना है। 5 मिनट तक भूनूंगी मैं। अब मेरे पास जो सब्ज़ धनिया था वो डाल रही हूँ मैं, अदरक डालूंगी और जो ग्रीन चिलीज बच गई थी वो डाल रही हूँ मैं, इसको मिक्स करूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी, ऑलमोस्ट हाफ ग्लास से भी थोड़ा, आप देख सकते हैं। और इसको मैं 5 मिनट ऊंची आंच पर पकाऊंगी और 5 मिनट मैं इसको दम दूंगी, ताकि अगर 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 पहले तो मेरा चिकन गल चुका है, ठीक है, देसी चिकन है तो उसके लिए आपने 1 गिलास डाल देना है पानी का और फिर उसको दम पे लगा देना 5 मिनट ऊंची आंच पर और 5 मिनट हल्की आंच पर, ठीक है। अब ये मेरे पास 5 मिनट ऊंची आंच में पकेगा और 5 मिनट मैंने इसको दम देना, फिर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब आप में सिर्फ ये करना है कि आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है आपने। टेक केयर, बाय बाय।